हिमाचल प्रदेश की बीजेपी की सबसे हॉट सीट सुजानपुर विधानसभा से पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन पत्र दाखिल करने से पहले पूर्व सीएम धूमल ने सुजानपुर चौगान में पहुंचकर हजारों की तादाद में मौजूद कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस अवसर पर उनके साथ सांसद अनुराग ठाकुर, विधायक विजय अग्निहोत्री, नरेंद्र ठाकुर, पूर्व विधायक बलदेव शर्मा, रमेश धवाला, रविंदर रवि भी मौजूद रहे। धूमल ने नामांकन पत्र भरने के बाद चुनाव जीतने का दावा किया। पूर्व मुख्यमंत्री धूमल ने कहा कि जनता की मांग पर ही सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में आया हूं। धूमल ने कहा कि चुनाव में माफिया राज, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, ड्रग सभी मुद्दे शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि जल्द ही बीजेपी स्टार प्रचारक प्रदेश में दौरा करेंगे और पीएम मोदी का भी हिमाचल में दौरा संभावित है। हर उम्मीदवार को एक दिन नॉमिनेशन पेपर भरना होता है, आज आखिरी दिन था, आज भरा है, नॉमिनेशन भरा है, चुनाव जीतेंगे भी। देश में कोई चेहरा मेरे से अपरिचित नहीं है, जो भी राजनीति में वो मेरे जाने पहचाने हैं। और इसका उदाहरण मैं आपको दूंगा, 2009 में नरेंद्र ठाकुर ने अनुराग जी के खिलाफ पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा, पिछला 2012 का चुनाव मेरे खिलाफ लड़ा, 2014 में फिर पार्टी में वापस आए तो हमने उनको यहीं से विधायक चुनाया है। तो ऐसा चलता रहता है, पब्लिक की डिमांड पर ही आया हूँ और इस चुनाव क्षेत्र का बहुत बड़ा हिस्सा मेरा चुनाव क्षेत्र का पहले हिस्सा रहा है और मैं लोकसभा का सांसद 3 बार रहा हूँ। तो कोई क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में ऐसा नहीं है जहाँ लोगों के साथ मेरा संपर्क नहीं रहा, सब हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के लोग जानते हैं और उसका हिस्सा सुजानपुर का हिस्सा भी है। धूमल ने कहा कि चुनाव जीतने के बाद सुजानपुर की विकास प्राथमिकता रहेगी। उन्होंने कहा कि पहले भी सत्ता आने पर सुजानपुर का विकास करवाया है और अब सरकार बनने पर सुजानपुर को तरजीह दी जाएगी। हर उम्मीदवार को एक दिन नॉमिनेशन पेपर भरना होता है, आज आखिरी दिन था, आज भरा है, नॉमिनेशन भरा है, चुनाव जीतेंगे भी। सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था की स्थिति, सड़कों की खस्ता हालत, बेरोजगारों की समस्या, कर्मचारियों के साथ अन्याय, बेटियों के साथ बलात्कार और उनकी हत्याएं, ये सब मामले हम उठाएंगे। जो माफिया राज है, वन माफिया, भू माफिया, खनन माफिया, शराब माफिया, ट्रांसफर माफिया और ड्रग माफिया, जिसके कारण देवभूमि को ड्रग भूमि बना दिया, इन सब मुद्दों को उठाएंगे। सुजानपुर का विकास, जो जो जन समस्याएं होंगी सबका समाधान करेंगे। सुजानपुर के लिए कोई नई बात नहीं है, वाटर सप्लाई की मैंने करवाई है, यहाँ का गवर्नमेंट कॉलेज मैंने दिया, यहाँ 2 कॉलेजेज अलग अलग थे, झगड़ा रहता था, दोनों को मर्ज करके ठाकुर जगदेवचंद जी के नाम पर गवर्नमेंट कॉलेज दिया, जो वहाँ एम्प्लॉय थे उनको सरकारी नौकरी दी। सभी समस्याओं का जो जो आएंगी समस्याएँ हल करेंगे। प्रधानमंत्री आएंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष आएंगे, केंद्रीय मंत्री आएंगे। प्रधानमंत्री का कुछ है संभावित दौरा का? प्रधानमंत्री लगभग 4 संसदीय क्षेत्रों में एक एक चुनाव सभा करेंगे। भावना है कि जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में 17 जिले हैं, हर जिले में एक जनसभा करेंगे। सर, भाजपा का घोषणा पत्र कब तक आएगा? हम विजन डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, केंद्रीय नेताओं से समय तय होगा और जब उपलब्ध होंगे हमारा विजन डॉक्यूमेंट तैयार है।